हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ऑडियो सेक्स स्टोरी डॉट नेट पे, जो कि एक इंडियन सेक्स टॉक डॉट कॉम और अडल्ट प्रोडक्ट्स इंडिया डॉट कॉम की जॉइंट इनिशिएटिव में की गई है। मेरा नाम है पूजा। आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी घटना आपको बताने जा रही हूँ। इस घटना ने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। मैं आज भी उस पल को याद करके बहुत रोती हूँ जब मैंने दीदी के रूम में छिपकर दीदी और जीजू को सेक्स करते हुए देखा था। शायद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको पूरी बात शुरू के समय से बताती हूँ और फिर इस छोटी सी घटना बस एक छोटी सी ही घटना के बाद कैसे मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई उसकी कहानी सुनाऊंगी। पर उससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। मेरा नाम पूजा है और उस समय मेरी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। मेरा फिगर 32-34 था, जिस पर करीब सारे लड़के अपनी जान देते थे। मेरी बूब्स और गांड दोनों बाहर निकली थी, इसीलिए जब मैं चलती थी तब मेरी बूब्स और गांड दोनों सबसे अलग ही चमकती थी। उसके बाद मेरा गोरा रंग ऐसा था कि मैं हाथ लगाने से भी गंदी हो जाती थी। मैं जमीन घर के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरी बड़ी बहन पूनम रहती है। पूनम दीदी मुझसे 4 साल बड़ी थी, इसीलिए उनकी शादी हो गई थी। शादी के बाद दीदी मोहाली जाकर रहने लगी, क्योंकि मेरे जीजू मोहाली में ही जॉब करते थे। मेरी जीजू ने अपना एक अलग घर बनाया हुआ था, जिसमें दीदी और जीजू और उनका छोटा भाई सागर रहता था। सागर मुझे ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि एक तो वो एक नंबर का काला आदमी था, उसका रंग काला था और वो बहुत नशे करता था। पर मुझे उसकी बॉडी बड़ी पसंद आती थी, उसके छोरे सीने पर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा मन उसको देखकर क्या क्या करता था ये मैं आपको ऐसे ही बयान नहीं कर पाऊंगी दोस्तों। दिखने में वो कितना खराब भी नहीं था, काला जरूर था, पर उसका फेस एक गुड लुकिंग आदमी का था, वो हैंडसम दिखता था। जैसे ही मैंने अपने गांव में अपनी 12वीं पूरी करी, तब दीदी ने मुझे कहा कि अब तुम हमारे साथ रहने आ जाओ, क्योंकि वहां घर पास में ही है, काफी कॉलेज है और यहाँ आकर मैं अपनी आगे की स्टडी भी कर पाऊंगी। मुझे अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार था और फिर मम्मी पापा को भी ये बहुत ही अच्छा लगा। भरोसा भी तो था उनको दीदी पे। मैंने दीदी की बात मान ली और अपना सारा सामान लेकर दीदी के पास उनके घर पर रहने के लिए चली गई। वहां पर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे दीदी के साथ वाला रूम ही रहने के लिए मिल गया था। फिर मैं दीदी के साथ बहुत बातें करती थी। एक बात नोटिस करी कि जब दीदी की शादी हुई तब उनके बूब्स थे 32 और गांड 34, पर आज की डेट में करीब 10 महीने के अंदर ही दीदी के बूब्स 36 के और उनकी गांड 40 के हो गई थी। मैंने इसका कारण दीदी से पूछा तो दीदी ने कहा कि तेरी एक बार शादी हो जाए तेरा भी ये हाल होगा। उस टाइम तो मैं उनकी बात जरा भी समझ नहीं पाई। दीदी के घर जीजू का भाई सागर रहता था, वो भी कॉलेज में स्टडी करता था, पर वो हर रात को 2 बजे तक ही आता था। जीजू और दीदी उसे कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि रात को वो नशे में पूरा धुन होकर घर आता था। वो आते ही अपने रूम में जाकर सो जाता था। मुझे अभी दीदी के घर आए हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे और इन 3 दिनों में मैंने उनके घर के बारे में सब कुछ जान लिया। जीजू एक नंबर के ठर की इंसान है, हर टाइम उनके माइंड पे बस सेक्स ही रहता है। हर रात को मुझे दीदी के रूम से दीदी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जीजू को बहुत ज्यादा चोटते थे। दीदी की आवाज सुन के मेरा मूड खराब हो जाता था। मेरे अंदर ना जाने क्यों दीदी के चिल्लाए देखने का मन करता था।
पर यह गलत था, इसीलिए मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। एक रात की बात है, और ये रात ऐसी रात थी जिस रात मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली थी। मैंने अपने रूम पे आराम से सो रहा। करीब रात के 2 बजे मेरी आंख खुली और मुझे बहुत जोर से पानी की प्यास लगी। मैं उठी और अपने रूम में गई और वहां पे पानी देखा, पर पानी था ही नहीं। पानी लेने के लिए मैं किचन में चली गई, और वहां से जब मैंने पानी पीकर वापस आ रही थी, तभी मुझे दीदी के रूम से दीदी और जीजू की वाली मस्त आवाजें सुनाई देने लगी। मैं समझ गई कि अंदर जीजू दीदी को जोत रहे हैं। और यहाँ मैं आप सबको याद दिला दूं कि ये कहानी आप सुन रहे हैं audiosexstories.net पे, जो कि indiansextalk.com और adultproductsindia.com की एक जॉइंट इनिशिएटिव है। मैंने उनकी रूम के आगे से निकल रही थी। उस टाइम मेरे माइंड में ना जाने क्या आया कि मैं रूम के डोर को थोड़ा सा धक्का दिया और डोर खुल गया। दीदी शायद आज दरवाजा बंद करना भूल गई थी। जब मैंने अंदर का माहौल देखा तो मेरा रूम रूम खड़ा हो गया। अंदर दीदी और जीजू पूरे नंगे थे और वो दीदी के ऊपर थे। दीदी की दोनों टांगें खुली हुई थी। गिच्छूत में जीजू का लंड बहुत स्पीड में अंदर बाहर हो रहा था। मैं ये सब देखकर बड़े आराम से मजे ले रही थी, तभी मुझ पर किसी ने टच किया। मैं वो टच महसूस करते ही काफी डर गई थी। आखिर मैंने बड़े हिम्मत करके पीछे देखा तो मेरे पीछे सागर खड़ा हुआ था। सागर को देखकर तो मेरी गांठ फट गई। सागर ने मुझे देखकर प्यारी सी स्माइल करी, फिर उसने मुझे बालों से पकड़ा और मुझे घसीटते हुए अपने बेडरूम में ले गया। बेडरूम में जाते ही उसने मुझे बेड पर लपटक दिया। फिर उसने मुझे कहा, साली तू वहां क्या देख रही थी? मैं डर गई और डरती हुई बोली, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही मजे ले रही थी। सागर ने बोला, साली मजे तो तुझे मैं दूंगा, वैसे भी सेक्स का मजा देखने से नहीं करने से आता है। ये कहते ही वो मेरे ऊपर आ गया और मुझे इधर उधर किस करने लग गया। मैं उसे दूर भागने की कोशिश कर रही थी, पर सागर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं उससे बचकर नहीं जा सकती थी। वो मेरे होठों पर अपने होठ रखकर मुझे किस कर रहा था। मुझे जब वो किस कर रहा था, तब उसके मुंह से मुझे शराब की महक आ रही थी। धीरे धीरे अब उसके हाथ मेरे बूब्स पर आ गए थे, जिससे वो मेरे बूब्स जोर जोर से दबा रहा था। मैं बोली, सागर प्लीज मुझे जाने दो, ये सब ठीक नहीं है। सागर बोला, सारी रात चुप कर, तुझे नहीं पता कि अब तू मेरी होने वाली वाइफ है। अब मैं तुझे छोड़ कर ही मानूंगा और तुझे मैं सेक्स का असली मजा दूंगा। ये कहने के बाद उसने मुझे पूरी नंगी करना शुरू कर दिया था। मेरी ब्रा और पैंटी दोनों फाड़ कर रख दी थी। अब वो एक पागल की तरह मेरे बूब्स को चूस खा रहा था। उसके हाथ मेरे बूब्स से अब नीचे मेरे जूत पर आ गए थे। जब उसने मेरी चूत पर अपने हाथ लगाने शुरू किए तो बोला, वाह मेरी जान, तेरी चूत तो एकदम चिकनी है, एक भी बाल नहीं है। फिर वो नीचे गया और मेरे दोनों टांगे खुलकर मेरी चूत को चाटने लगा। चूत को चाटने के बाद उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए और उसका 7 इंच का लंड देखकर मैं डर सी गई। इससे पहले मैं कुछ भी बोलती, उसने मेरी टांगे खोली और मेरी चूत पर अपना लंड लगाकर मेरे ऊपर लेट गया। उसने मेरे होठों को अपने होठों से पूरी तरह से बंद कर दिए थे, जिससे मेरी हल्की सी भी आवाज नहीं बाहर आ सकी। उसके बाद सागर ने एक जोरदार धक्का मारा और उसका आधा लंड मेरी चूत में घुस गया। मेरी जान निकलने वाली हो गई। मैं उसके नीचे तड़पने लग गई। इतने में इस दर्द को संभाल पाती, इससे पहले उसने एक और धक्का मारा, जिससे उसका लड़ना पूरा मेरी चूत में घुस चुका था। मेरी दोनों आंखों में आंसू आ गए थे और नीचे मेरी चूत से खून निकल गया। सागर ने मेरे ऊपर जरा भी तरस नहीं किया और वो मुझे 20 मिनट तक ऐसे ही चोता रहा।
फिर उसके बाद उसके लंड का पानी मेरे छूट में ही चला गया। वो मेरे ऊपर ऐसे ही सो गया। सुबह तक वो मुझे अपनी बाहों में ले नंगा सोता रहा। मुझे काफी देर था कि कहीं मैं बीमार ना बन जाऊं। ये बात मैंने सागर से बताई तो उसने कहा, मुझे की साली अब तो मेरी होने वाली वाइफ है। सुबह जब हम ब्रेकफास्ट करने लगे तब जीजू ने कहा, पूजा तेरी शादी मैंने अपनी भाई सागर से फिक्स कर दी है। ये सुनकर मैं काफी सैड थी पर सागर काफी खुश। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने दीदी से कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, पर दीदी ने मुझे कहा कि तू चुप हो जा, अब तेरी शादी सागर से ही होगी। मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। जीजू ने कह दिया कि अब से पूजा तेरे साथ ही सोएगी और अब तो इसकी चुराई भी कर सकता है। ये सुन के ही सागर बोला, क्या बात कर रहे हो भैया, अब भी इसको तो मैंने रात को ही छोड़ दिया है। जीजू बोले, अच्छी बात है, अब तू इस सारी को जमकर छोड़, कोई परवाह नहीं। सागर मुझे अपने साथ रात को बार में ले गया। वहां उसने मेरे जिस्म के साथ काफी छेड़खानी करी। उसके बाद वो मुझे घर लेकर आया और रूम में आते ही उसने मुझे पूरा नंगा कर दिया। साथ ही वो खुद भी पूरा नंगा हो गया। उसने मुझे अपने बाहों में लेकर मुझे किस करना शुरू कर दिया। मेरे होठों को चूसने लगा। होठों को चूसने के बाद वो बोला, आज मेरी जा तेरी चूत को चाटूंगा और तू मेरा लंड चूसेगी। लंड चूसने की बात सुनते ही मैंने सागर को मना कर दिया, पर वो मुझे मारने की धमकी देने लग गया। इसीलिए मैं उसका लंड चूसने के लिए मान गई। नीचे बिठाकर उसका लंड चूसने लग गई। कुछ देर बाद वो मुझे बेड पर ले गया। मैं बेड पर लेट गई और वो मेरे ऊपर आकर लेट गया। हम दोनों अब 69 की पोजीशन में थे। मैं उनका लंड चूस रही थी और वो मेरे चूत को चूस रहा था। सच, हम दोनों इसमें काफी मजे ले रहे थे। उसका लंड मेरे मुंह में मक्खन की तरह घुल रहा था। लंड चूसने में मुझे जितना मजा आ रहा था उससे काफी ज्यादा मजा मुझे सागर से अपनी चूत चटवाने में आ रहा था। दोस्तों, कुछ ही देर बाद मेरी चूत का सारा पानी निकल गया। सागर ने मेरी चूत का सारा पानी पिया और मेरे चूत को चाटने के साथ साथ अब वो मेरा मुंह भी चोदने लग गया। कुछ ही देर बाद उसके लंड के पानी मेरे मुंह में ही निकल गया, जिससे मुझे जबरदस्ती पीना पड़ा। अब मैं उसके लंड को अच्छे से साफ करके अपने मुंह से बाहर निकाला था। फिर कुछ देर तक सागर मेरे बूब्स को चूसता रहा। जब उसका लंड खड़ा हो गया वो फिर से मुझे चोदने लग गया। उसकी ताकत को मैं बहुत मानती हूँ क्योंकि वो इतने जोर से धक्का मारता जिससे मेरा पूरा जिस्म हिल जाता है। उस रात सागर ने मुझे 3 बार जमकर चोदा और फिर जल्द ही मेरी शादी सागर से हो गई। मैं सागर को आज भी पसंद नहीं करती पर उसकी चुराई से मैं हमेशा खुश हो जाती हूँ। शादी से पहले ही सागर ने मेरी चूत और गांड दोनों फाड़ दी थी। क्या बताओ फ्रेंड्स, तब से मेरी दुख भरी जिंदगी की शुरुआत हुई। जो भी हो, एटलीस्ट चुराई के वक्त तो मजा आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस कहानी में जरा सा भी मजा आया हो तो प्लीज इस कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और फीडबैक में मुझे इस कहानी पे यहाँ पे लाइक जरूर दें। और audiosexstories.net पे आप मेरी कहानी सुनते रहिए। indiansextalk.com में आप मुझसे करते रहिए मजेदार बातें। RR प्रोडक्ट्स india.com से आप अपने लिए खरीद सकते हैं ढेर सारे अनगिनत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स। और जब तक मैं आपके लिए नई स्टोरी लेके वापस नहीं आती, तब तक के लिए